हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी आर मीटिंग. वेरी सून दिवाली फेस्टिवल्स विल कम, तो देन वी डू समथिंग फॉर दिवाली. तो क्या करोगे? रंगोली करते हैं. सबसे पहले रंगोली करते हैं, रंगोली डिज़ाइन करते हैं. रंगोली डिज़ाइन के बारे में आज कर पढ़ते हैं. तुम भी सोच रहे होगे कि सर टेबल पे बैठ कर रंगोली कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे. लेकिन आज रंगोली के बारे में थोड़ा सा जानेंगे. रंगोली डिज़ाइन कैसे तैयार करते हैं वो जानेंगे, कलर कैसे प्रिपेयर करते हैं वो जानेंगे, और फिर कमिंग क्लास में हम फ्लोर रंगोली कैसे करेंगे, फ्लावर से हो, वेट से हो, मतलब गीला रंगोली कलर से कैसे करते हैं, डस्ट रंगोली कैसे करते हैं. तो ये डिफरेंट टाइप्स के रंगोली जो है वो कमिंग वीक में, कमिंग क्लास में वो आपको वो उसका वीडियो करेंगे. रंगोली, सबसे पहले रंगोली जो बनाते हैं, रंगोली वेलकम के लिए बनाते हैं, किसी के वेलकम के लिए. दिवाली में स्पेशली रंगोली जो बनाते हैं वो हम लक्ष्मी के आगमन, घर में ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी उस दिन सबके घर पे आती हैं, और लक्ष्मी के आगमन के लिए हम घर के दरवाजे के पास घर के सामने में वहाँ पे रंगोली बनाते हैं, उनके स्वागत के लिए, उनके वेलकम के लिए रंगोली बनाते हैं. अक्सर तुम देखे होगे कि स्कूल में भी हम लोग, कोई चीफ गेस्ट आते हैं, हमारे यहाँ कुछ फंक्शन होता है और चीफ गेस्ट जब आते हैं तो हम लोग रंगोली तैयार करते हैं, रंगोली बनाते हैं. इसमें से तुम में से बहुत सारे बच्चे उसमें इन्वॉल्व होते हो, बहुत सारे बच्चे उसमें काम भी करते हो. जनरली स्कूल में कभी पेंट रंगोली करते हैं, या नहीं तो हम लोग वहाँ पे फ्लावर पेटल्स का रंगोली करते हैं, डस्ट रंगोली कम करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा दिक्कत है गेस्ट के आने के समय. लेकिन जब कंपटीशन हमारा होता है, रंगोली कंपटीशन होता है, तो तुम सब बढ़ चढ़ करके डस्ट रंगोली खूब बनाते हो, फ्लावर रंगोली भी बनाते हो और काफ़ी अच्छा भी बनाते हो. लेकिन इस बार रंगोली का डिज़ाइन जो है आपको खुद ही तैयार करना है. आप आइडिया ले सकते हैं, नेट से आप आइडिया ले सकते हैं. आपको वो भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जब आपको मोटिव्स पता चल जाएगा कि क्या मोटिव्स यूज करते हैं, तो आप खुद ही अपनी डिज़ाइन जो है रंगोली के लिए आप तैयार कर सकते हैं. रंगोली अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नामों से जाना जाता है. जैसे कि बिहार में इसको अइपन बोलते हैं, बंगाल में अल्पना बोलते हैं, राजस्थान में मांडना बोलते हैं, एमपी में भी मांडना बोलते हैं, और महाराष्ट्र में इसको रंगोली, यूपी में रंगोली, इस तरह से कई जगह जो है अलग अलग नामों से जाना जाता है. लेकिन पर्पस जो है वो एक ही होता है. साउथ की जो रंगोली होती है, साउथ में डॉट्स, जनरली वो डॉट्स डालते हैं, और डॉट्स डाल करके एक ही बार में, एक पैटर्न में, हाथ में राइस डस्ट लेकर के, और वो एक बार में ऐसे घुमा करके पूरा वो डिज़ाइन कर वो कंप्लीट कर लेते हैं. उनका डिज़ाइन जो है, उनका मोटिव जो है वो अलग होता है, वो और वो बहुत ही सुंदर होता है. और इसमें जो एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं वो पॉजिटिव एलिमेंट्स यूज होते हैं, जो भी बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं. जैसे बर्ड्स में हम लोग पैरट को, पिकॉक को, इसमें पैरट हो गया, पिकॉक हो गया, पीजन हो गया, ऐसे बर्ड्स को इसमें यूज करते हैं, जिसमें एक ब्यूटिफिकेशन है, जिसको देखने में सुंदर, जो देखने में सुंदर लगता है वो उसका यूज करते हैं. एनिमल्स में काऊ का यूज करते हैं, एलिफेंट का यूज करते हैं, और एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट जो हैं उसमें शंख बनाते हैं, कई बार घंटी बनाते हैं, और लीफ बनाते हैं, फ्लावर बनाते हैं, क्रीपर बनाते हैं, ऐसे बहुत सारे चीज़ जो है हम लोग मोटिव्स में यूज करते हैं. फिश भी, यहाँ तक कि फिश भी बनाते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत जगह स्पेशली बंगाल में फिश को बहुत शुभ माना जाता है, तो इसीलिए फिश उनके डिज़ाइन में, उनके मोटिव्स में फिश का भी यूज होता है. डियर का यूज होता है, कई बार डियर का भी यूज होता है एनिमल्स में. तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट जो हैं वो हमारे रंगोली के मोटिव्स होते हैं. अब ये मोटिव्स बनाते कैसे हैं,
मोटिव्स को डिवाइड कैसे करते हैं। रंगोली बनाने के लिए हमने एक छोटा सा एक एग्जाम्पल यहाँ पे किया है। ये सर्कल बनाया है, ये सर्कल में तुम देख रहे होगे, इस सर्कल सर्कल को मैंने डिवाइड कर लिया है, ये चारों तरफ से इसको डिवाइड कर लिया है। इसलिए डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि इसका जो पैटर्न हम बना रहे हैं उसमें सिमिलरिटी है। अगर तुम डिवाइड नहीं करोगे तो क्या होगा कि वो एक जैसा सिमिलर तुम्हारा डिज़ाइन नहीं होगा। तो ये सिमिलरिटी लाने के लिए हम ये डिवाइड किए हैं। तुम देख रहे हो कि हमारा जो पेटल्स बना है ये ऑलमोस्ट सिमिलर पेटल्स है ये। और ये खाली स्पेस मिला तो इस खाली स्पेस में हम यहाँ पे एक कुछ छोटा सा एक फ्लावर का मोटिव्स यहाँ पे डाल दिए। यहाँ पे बीच के एक सर्कल्स में हम थोड़ा सा क्लोजअप करते हैं। इस बार एक्चुअली थोड़ा मेरा कैमरा का स्टैंड जो है जिसपे हम वीडियो बनाते हैं वो सडनली वो ख़राब हो गया। आज जब बनाने के लिए काफ़ी लंबे समय बाद आज जब बनाने के लिए निकाले तो कैमरा जब लगाए मोबाइल जब लगाए तो वो टूट गया, वो ख़राब हो गया। तो इसीलिए थोड़ा सा आपको परेशानी होगा। तो अभी मैं बता रहा था आपको कि स्क्वायर बॉक्स पे सर्कल बॉक्स पे ये हमने एक डिज़ाइन बनाया है, ये देख रहे हो कि ये डिज़ाइन बनाया है। और ये स्क्वायर बॉक्स पे एक डिज़ाइन फिश मोटिव्स को लेकर के यह डिज़ाइन कर रहे हैं। अभी हम काम करेंगे, हम स्टेंसिल का काम करेंगे। स्टेंसिल क्या होगा कि स्टेंसिल बना करके हम क्योंकि रंगोली में सिमिलरिटी होना बहुत ज़रूरी है। उसके फोर साइड्स या टू साइड्स अगर हम बना रहे हैं, जो भी जितना भी बना रहे हैं, जितने में हम डिवाइड कर रहे हैं, हम उसमें हम कोशिश करेंगे कि उसमें एक सिमिलरिटी हो। तो ये सिमिलरिटी लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम उसको स्टेंसिल में उसको करेंगे तो वो इजी होगा और एक जैसा बनेगा। सपोज हम एक यहाँ पे एक पेपर पे हम अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग पेपर ले लेंगे, बड़ा पेपर। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत अच्छा पेपर हो, घर में पुराना कैलेंडर वगैरह भी हो सकता है, न्यूज़पेपर से भी। न्यूज़पेपर तो बहुत पतला हो जाएगा, कोई भी पुराना चार्ट पेपर वगैरह जिसका प्रोजेक्ट पहले बनाए हो और आप कोई काम का नहीं है वो भी हम यूज कर सकते हैं। क्योंकि तो इसके लिए बहुत फाइन पेपर का ऐसा होना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली हमको तो स्टेंसिल ही बनाना है, काटना ही है हमको। ये एक मोटिव्स हो गया हमारा। और इस मोटिव्स को हम क्या कर सकते हैं, अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ऐसे रख करके हम इसको ऐसे रख के ड्रॉ कर लिए, फिर ऐसे घुमा के ड्रॉ कर लिए, चारों तरफ से ऐसे रख करके ड्रॉ कर लिए, तो हमारा एक एक जैसा एक सिमिलर डिज़ाइन बन गया हमारा। हम उसके बाद तो कुछ छोटे छोटे चीज़ हम कर सकते हैं। ये हमारा वेस्ट बच गया था तो इससे हम एक कुछ बना लेते हैं।
ये सब मोटिव जो है, छोटे छोटे मोटिव जो है, ये फीलर का काम करेगा। कहीं ज़रूरत है तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको तुम देख रहे होगे कि ऐसा ये कटिंग हमारा, हम इस तरह भी ऐसे करके हम डिज़ाइन बना सकते हैं, दोनों को अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में रख करके हम सिंगल। अब जैसे ये डिज़ाइन किए, इसके बगल से हम इसको ऐसे भी दे सकते हैं, तुम देख रहे होगे, इसके बगल से इसको हम ऐसे दे सकते हैं, इधर से इसको ऐसे दे सकते हैं, ऐसे उल्टा करके इधर से ऐसे दे देंगे, तो हमारा डिज़ाइन इस तरह से बनते जाएगा। तो ये स्टेंसिल ऐसे बना के रख लेंगे, कई छोटे छोटे एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट, एलिफेंट का हो या जो भी हमारा डिज़ाइन है, हम एक और डिज़ाइन करते हैं आपके लिए। चलो इस बार हम करते हैं एक एलिफेंट करते हैं। और ये जो डिज़ाइन है हमारा, ये डेकोरेटिव होना चाहिए। एक एलिफेंट का मोटिव्स हमने काटा है, इसको हम रिपीट कर सकते हैं बार बार, ऐसे ऐसे रख करके, फिर उसके बगल में ऐसे रख के, फिर ऐसे रख कर, तो चारों तरफ से हमारा एक एलिफेंट, ऐसे सर्कल में इसको एलिफेंट रख सकते हैं हम, इसको स्क्वायर बॉक्स में भी ऐसे रख करके इसके चारों तरफ से ड्राइंग कर लेंगे तो वो भी हो सकता है। तो हम ऐसे स्टेंसिल काट करके, अपने ड्राइंग का स्टेंसिल काट करके हम रंगोली अपना तैयार कर सकते हैं। तो ये रंगोली जो है, अब कमिंग क्लास में आपको कैसे फ्लोर पे करेंगे इसको, ये स्टेंसिल रख करके इस पे कैसे कलर डालेंगे, उसके लिए कमिंग क्लास में आपको बताएंगे हम। लेकिन इसके पहले आपको बता दे, आप मेंटली रेडी रहिएगा, कलर के बारे में स्पेशली आपको बता दे रहे हैं। कलर रंगोली का जो कलर है वो आप बालू से तैयार कर सकते हैं और सूजी से तैयार कर सकते हैं। बालू को महीन, आपको कपड़े सूती के कपड़े पे उसको चाल करके आप महीन बालू निकाल लीजिए और उस बालू को अलग अलग कटोरी में, बर्तन में आप थोड़ा थोड़ा करके उसको बांट लीजिए। आपको कौन सा रंग आपको ज़्यादा चाहिए उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग आप उसमें डिवाइड कर लीजिए। देन उसमें आप
अपना जो कलर है, अबीर जो है सभी रंगों में अबीर मिल जाता है, येलो, रेड, पिंक, ग्रीन, अब ब्लू, ब्लू नहीं मिलता है तो उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए नील का यूज़ करोगे, जो कपड़े धोने के लिए, कपड़े को वाइटनिंग करने के लिए नील यूज होता है, वो उस नील को, जो पाउडर होता है उस नील को यूज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अबीर, अब बहुत थोड़ा सा, बाकी अबीर तो थोड़ा ज़्यादा लेना होगा, हाफ लेना होगा, पर नील को हम बहुत थोड़ा, क्योंकि बहुत डार्क कलर होता है, तो हम 1 चम्मच नील, अगर 1 कटोरी बालू लिए हैं तो उसमें 1 से 1.5 चम्मच नील मिला करके दे मिला लेंगे। और कलर को अगर लाइट करना है तो हम उसमें एक दूसरे को कलर, जैसे पिंक करना है, रेड को हमको और लाइट पिंक करना है तो उसमें जिंक वाइट मिलाएंगे। जिंक वाइट, वाइट के लिए जिंक, हमेशा याद रखिएगा, वाइट के लिए जिंक पाउडर बहुत मतलब अच्छा, और ये किसी भी हार्डवेयर स्टोर में आपको जिंक पाउडर मिल जाएगा। मेडिकल शॉप में आप जिंक पाउडर नहीं खरीदेंगे, क्योंकि मेडिकल शॉप में जो जिंक पाउडर होता है वो जिंक प्लास्टर के काम में आता है, जो आपका जो मतलब जो ऑर्थोपेडिक जो होते हैं, मतलब जो अगर हाथ पर टूट गया तो वो क्या करते हैं, वो प्लास्टर में यूज़ करते हैं, और वो बहुत कॉस्टली है, वो उस जिंक का यूज़ नहीं करना है। ऑर्डनरी जिंक जो किसी भी हार्डवेयर स्टोर में आपको मिल जाएगा वो जिंक, और उस जिंक को सैंड के साथ मिला करके आप वाइट कलर, क्योंकि रंगोली में वाइट कलर का बहुत इंपॉर्टेंस है, आउटलाइन जो है वो वाइट से ही करते हैं, तो क्या होता है कि हमारा जो जो डिज़ाइन है वो इन्हेंस हो जाता है, वो हमारा मतलब वो उभर के आता है वो। तो कमिंग क्लास में आपसे फिर से मिलते हैं फ्लो रंगोली के साथ, कलरफुल रंगोली के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।